जी इमरान फरीदी सीरीज का पार्ट 23 और हमीद ने कुछ इस ख्याल के तहत ऊपर जाने की तजवीज़ नहीं पेश की थी कि तनाई में किसी मसले पर गौर कर सके, बल्कि तो वाइल्ड गेट की तफरियात के सिलसिले में किसी अच्छी सी साथी का मतलाशी था। रोज़ा से बेहतर साथी और खामी थी, लेकिन फरीदी की मौजूदगी में वो हमीद की तरफ रुख ना करती। हमीद से बालों में रह गया या रुख सो रहा था, क्या मैं आपसे रुख की दरख्वास्त करूँ? हमीद ने रोज़ा से पूछा। हरगिज़ नहीं, रोज़ा मैं करता और उसकी तरह हाथ बढ़ा दिए। फिर वो दोनों भी नाचने वालों की फहरिस्त में आ गए। पढ़ने में कोई तब्दीली नहीं आई। रोज़ा ने कहा, मेरा ख्याल है वो अब भी इतने खुश आदमी है जैसे पहले था। सोच के आपने तब्दीली महसूस नहीं की। हमीद ने कहा, क्या सोचती है कर्नल रोशन में, क्या मतलब रोज़ा चौक पड़ी और उसके पैर लड़ खड़ा गए? उसे संभालना हमीद के लिए एक बड़ा खुशगवार फ़र्ज़ की अदायगी का दर्जा रखता था। एक लंबी कहानी है उस रोज़ा हमारी बचपन से उम्मीद की कहानी। इन्हें एक ऐसे मुजरिम की तलाश है जिसने हज़ार साल पहले इनकी महबूबा को कत्ल कर दिया था। वो जब मेरे इस बार उसे संजीदा होना पड़ा। उसने सर उठा कर देखा, हमीद रो रहा था। अरे क्या बात है, रोज़ा ने बुखलाए हुए अंदाज में घर उसके कदम रखा। मुझे खंडन से बेताशा मोहब्बत है, हमीद पर राय गया। उसने बोला, मैंने इस हाल में नहीं देख सकता। आओ चलो मुझे बताओ क्या बात है। हमीद का खाना पकड़ कर हट गए और दोनों लोग पासों की बेड़ से निकल कर गैलरी की तरफ जाने लगे जहाँ मुख्तार में ऐसे खासे करी थे। एक मेज पर बैठ जाने के बाद वो कुछ देर तक खामोश रहे। फिर रोज़ा ने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? आप शायद मजाक समझी थी, हमीद ने गलो गिरा। उसने कहा, एक साल होने को आया है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। आज यहाँ कल वहाँ इसी कातिल की तलाश की जा रही है जिनने इसकी महबूबा का अफसर 1000 साल पहले कत्ल किया था। डॉक्टर का कहना है वो कुछ भी करें इसे गैर मुंतकी करार ना दिया जाए वरना उसके दिमाग की रखे फट जाएंगे। लिहाजा वो जो कुछ भी कहते हैं कान दबा कर करता हूँ। मैं पहले ही जानता था कि इतने एक दिन इनके जहन पर ऐसे बुरे असरात पाए जाएंगे। अब कुछ सोचो, 24 घंटे का बस कोई केस हाथ आ जाता है फिर क्या है? खाना पीना हराम, पूरी नींद सोना हराम। आपको सोचिए ऐसे आदमी का क्या शर हो सकता है। अब कुछ ही दिन पहले की बात है कि रात सोते सोते उठ कर बैठ कर कहने लगे कि कासम को पकड़ कर ले गए। मैंने पूछा, कौन है? बोले कि वही जिसने 1000 साल पहले मेरी महबूबा को कत्ल किया था, वो कासम को पकड़ कर ले गया है और तारीख वादी में ले जाकर कत्ल कर देगा। मैंने सोचा, ख्वाब देखा है सुबह तक इसका असर ज़ाहिल हो जाएगा। मन खौफा खींचे सुबह होते ही उन्होंने न्यूयॉर्क के फसाई सफ़र के लिए 2 सीटें बुक करा ली। नतीजे के तौर पर हम यहाँ नज़र आ रहे हैं और इन्होंने किसी चीनी का फसारा नहीं किया। कुछ देर पहले ही एक चीनी ने मुझे तारीख वादी के सफ़र की दावत दी। मैं सतवा के मुकदमा वो किसी को सच्ची बात नहीं बता थी। वह दिमाग सही हो कौन हो, अब इन्होंने तारीख को उतार दिए गए नहीं कोऑर्डिनेटर के सदर मुकाम कीटो में मिले। लिहाजा वो कैलिफोर्निया से कीटो पहुँच जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमसे पहले कीटो पहुँच कर तारीख को सूरताल से आगाह कर दीजिए। शायद वो अपने हेडना टेकन की वजह से इनकी जहन की इसलाह कर सकें। मैं चाहता हूँ कि काम हमारे पहुँचने से पहले हो जाए, वरना हो सकता है तारीख भी इनकी बातों में आ जाए। रोज़ा थोड़ी देर तक सोचती थी, फिर बोली, मैं तारीख को कहाँ तलाश करूँगी? बड़ी आसानी से उसका पता मिल जाएगा। वहाँ से 3 बड़े होटल हैं, काले नेवले वाले का पता लगाना तो कोई मुश्किल नहीं होगा। अपने नेवले की वजह से भला कैसे बुलाया जा सकता है। पार्ट 23 एंड।